नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों 3 स्थानों पर उपचुनाव हो रहे हैं और सबसे हॉट सीट बनी हुई है देहरा। आज पूरा दिन प्रदेश में क्या राजनीतिक हलचल रही, इस पर चर्चा के लिए विशेष शो में आपका स्वागत है। आज हिमाचल प्रदेश के देहरा में आखिरकार एंट्री हो गई कमलेश कुमारी की। कमलेश कुमारी ने आज देहरा में पहुंची, वो उनका जगह जगह स्वागत हुआ। वहीं दूसरी तरफ नालागढ़ में आज भाजपा के प्रत्याशी केआर ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर सहित राजीव बिंदल व अन्य भाजपा के कई नेता मौजूद रहे, जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू आज एक बार फिर से ऊना मिले। यानी कि ये सारी की सारी राजनीतिक गतिविधियाँ कुल मिलाकर के हमीरपुर पार्लियामेंट में ही संचालित की जा रही है। आइए सिलसिलेवार मैं आपसे शुरू करूं कि आज कहां क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा विवाद जो कांग्रेस और भाजपा के बीच में जारी था, वो था मैदान का विवाद। जी हाँ, चुनाव में मैदान किसने मारना है ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही सामने आएगा, लेकिन चुनावी रैली के लिए मैदान के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गई थी। अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा का आरोप था कि उन्होंने पहले ही रैली के लिए देहरा में जो है वो नामांकन के दिन मैदान के लिए सभी की सभी परमिशन ले ली थी, लेकिन आखिर समय में प्रशासन ने बिना कारण बताए उनकी सभी स्वीकृतियाँ जो थी वो रद्द कर दी। उनका कहना था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो दबाव की राजनीति और अफसरों को डरा धमका करके चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इस मामले को चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात भी कही थी। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक कांग्रेस देहरा का कहना था कि उन्होंने भी रैली के लिए इस मैदान के लिए आवेदन किया था, जिसकी उन्हें भी परमिशन मिली है। तो जब सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास ये पूरा विवाद पहुंचा, तो उन्होंने संयम से काम लेते हुए उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि भाजपा को ये मैदान रैली करने के लिए दे दिए। अब इस मैदान को लेकर के विवाद क्यों हुआ, आपको बता दूं कि एक ही दिन यानी कल 21 तारीख को कांग्रेस व भाजपा एक ही दिन जो है वो देहरा में नामांकन भरने जा रहे हैं। और एक नामांकन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सहित उनकी पूरी सरकार, वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर सहित भाजपा के सभी बड़े नेता जो हैं वो देहरा में नजर आएंगे। तो जब दोनों तरफों के नेता एक ही दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति तो बनेगी। और देहरा में कल जो है दो रैलियां समानांतर होगी, एक तरफ भाजपा नामांकन के बाद अपनी रैली करेगी, वही कांग्रेस भी नामांकन के बाद रैली रहेगी। कल का दिन बड़ा दिलचस्प है। कल कांग्रेस भाजपा का देहरा में शक्ति प्रदर्शन होगा। अब देखते हैं इस शक्ति प्रदर्शन में कौन सा दल भारी पड़ता है। आज कमलेश कुमारी ने टिकट मिलने के बाद पहली बार देहरा में प्रवेश किया, जगह जगह उनका स्वागत हुआ। इस दौरान उनसे पूछा गया कि उनको क्या लगता है, उन्होंने विश्वास जताया कि जनता भारी मतों से जिताएगी। वही राजेश शर्मा के विवाद पर भी उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई हैं, भाई बहन के बीच में मनमुटाव चलता रहता है। उन्होंने कहा कि कुछ रूटों को बनाने का प्रयास किया जाएगा, उम्मीद है वो मान जाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहती हैं देहरा आने पर कमलेश कुमार। क्या रूटों को मना लिया जाएगा? कोशिश करेंगे, मनाएंगे। वो रूठे थोड़े, मैं उनके बहन हूँ, भाई बहन का चलता रहता है। तो भाई बीमार हैं, मैं खबर लूंगी। और से अभी जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य भी। तो ये थी मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश कुमारी, जिन्होंने पूरी उम्मीद जताई कि देहरा के लोग विकास के साथ चलेंगे और उनका साथ देंगे और देहरा की बेटी को जिताएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू आज एक बार फिर से ऊना में थे। ऊना में एक कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि क्या कारण था, जो ये लोग जो निर्दलीय थे इन्हें इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी, इन्हें अब भी विपक्ष में ही बैठना है क्योंकि तय है इन 3 चुनावों के परिणाम से कोई सरकार को अंतर नहीं पड़ेगा, और यदि इनमें से कोई एक आधा जीत भी जाता है उसे विपक्ष में भाजपा के साथ ही बैठना था। अगर विपक्ष में ही बैठना था तो इन पर तो भी पिलाक नहीं होती थी, बिना चुनाव लड़े भी जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए ये भाजपा के साथ विपक्ष में बैठ सकते थे। और यही वो चुनावी मुद्दा बनाते हुए इन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। आइए इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं सुखविंदर सिंह। सवाल ये पैदा होता है कि जो
क्यों इस्तीफा दे रहे? अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार उनका काम नहीं कर रही तो उन्हें बीजेपी के साथ हो जाना चाहिए था। ये चुनाव का पूरा भार उन्होंने इन तीन विधानसभा क्षेत्र की जनता पर क्यों उठाना? क्या कारण रहे है? जनता को तय करना है कि ये तो आजाद अगर काम नहीं करते तो बीजेपी के साथ खड़े रहते। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है ये तीनों विधायक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। अब बात करता हूँ जयराम ठाकुर अनुराग ठाकुर की। जयराम ठाकुर अनुराग ठाकुर आज नालागढ़ में थे। नालागढ़ में केएल ठाकुर का जो नामांकन पत्र था गर्मी काफ़ी तेज थी, लेकिन उसके बावजूद भाजपा की जनसभा में लोग आए हुए थे काफ़ी संख्या में। तो इस मौके पर जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से कहा कि नालागढ़ की सीट चाहिए क्योंकि इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि इस सरकार को जो है वो जनमत खो चुकी है, ये लोकसभा में भी 61 सीटों पे हारी है, हमने उपचुनाव में 2 सीटें इनसे छीनी है और कभी भी भाजपा की सरकार बन सकती है। एक बार फिर से वो आशावादी नजर आए। उनका इशारा कहीं ना कहीं CPF विवाद की ओर था, लेकिन देखना है कि जयराम ठाकुर के इस वादे पर जनता कितना भरोसा करती है। आइए सुनते हैं क्या दावा था जयराम ठाकुर का। हम हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें जीते हैं, जिसमें से 1 सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है, मंडी की सीट छीनी है, छीन करके ली है। और 6 उपचुनाव की अगर बात कहते हैं कि 4 जीत लिए, लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए 6 के 6 कांग्रेस के थे और 6 में से 2 सीटें हमने जीती है, 2 सीटें हमने छीनी है। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने भी जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जो है वो नैतिकता के आधार पर हार चुकी है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि नालागढ़ से वे केएल ठाकुर को जिताए। अब बात करता हूँ कांग्रेस के अंदरूनी संगठन की। कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बहुत बुरी तरह से हारी है, इसको लेकर के कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी में PL पुनिया के साथ साथ रजनी पाटिल को शामिल किया गया है। ये 2 सदस्यीय कमेटी हिमाचल प्रदेश का दौरा करेगी और इसके साथ ही प्रदेश में हार के कारणों की समीक्षा करेगी। हार के कारणों की समीक्षा के बाद ये रिपोर्ट हाईकमान को देगी। कांग्रेस पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनके हार की समीक्षा के कारणों को तलाश रही है। देखते हैं इन 2 की रिपोर्ट में क्या जिक्र आता है और किस पर निशाना साधा है। ये तो मुझे लगता है उपचुनाव के बाद ही कमेटी आएगी, उसके बाद ये समीक्षा हो पाएगी। लेकिन वर्तमान में उपचुनाव पर पूरा भार जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांधे पर है। एक तरफ देहरा से उनकी पत्नी कमलेश कुमारी चुनावी मैदान में है, वहीं हमीरपुर में भी उनकी साख दांव पर लगी हुई है। अब आखिरी बात, कांग्रेस ने पूरी की पूरी सरकार को ही उपचुनाव में झोंक दिया है। अगर कल कांग्रेस की जारी सूची के अनुसार देखा जाए तो लगभग उन्होंने 65 के करीब कांग्रेस के विधायक व विभिन्न पदाधिकारियों को तीनों उपचुनावों में ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। अंदाजन हर 4 पंचायत पर एक बड़ा नेता कांग्रेस का जो है वो नजर आएगा। और वही भाजपा की बात करूँ, अति शीघ्र भाजपा भी अपने सभी नेताओं की सूची जारी करेगी और पूरा हिमाचल प्रदेश आपको इन 3 सीटों पर नजर आएगा। ये बहुत बड़ी एक चुनावी लड़ाई होगी जिसमें सभी नेता जो है पूरा दमखम लगाएंगे और जनता इतना ही करेगी कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा। कल बड़ा दिन है, डेरा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस भाजपा, सभी बड़े नेता प्रदेश के डेरा में होंगे और डेरा में सियासी तीर एक दूसरे पर चलेंगे। उसकी अपडेट लेकर भी आऊँगा आपके बीच में। तब तक आप इसी तरह से प्यार देते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।